छोड़ा नहीं, मैंने इंटरव्यू में क्लियरली बताया था कि इट वाज मेंट टू बी लाइक दिस. जैसे शुरू शुरू में था कि मैं नागिन हूँ, बट रिवील होता है बाद में कि मैं नागिन नहीं हूँ. सो ऐसे ये भी एक ट्विस्ट था विच आई ऑलवेज न्यू स्टोरी आगे क्या है, विच आई कांट रिवील अबाउट नयनतारा, बट इट वॉज प्लान्ड लाइक दिस, इसीलिए ऐसा हुआ. ये डेली सोप नहीं है, इट्स अ वीकेंड प्रॉपर्टी, इट्स अ फिक्शन. यू नो, हर वीकेंड एक हुक पे एंड होना चाहिए जब जो लोग नेक्स्ट वीकेंड फिर देखें. सो द फॉर्मेट ऑफ द शो इज़ लाइक दिस. बहुत सारे लोग आते भी हैं इस शो में, आपने देखा होगा पूरे साल में बहुत सारे लोग जाते भी हैं. इसका फॉर्मेट ऐसा है. अब मैंने अनीता के साथ सीन्स भी तो किए काफ़ी सारे जाने से पहले. जो सोच रहे हैं, आई थिंक मैंने इंटरव्यू में बहुत क्लियरली बताया था कि क्या एक्चुअल रीज़न है. इट वॉज मेंट टू बी लाइक दिस बिकॉज द फॉर्मेट ऑफ द शो, बिकॉज इट्स फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स. इट वॉज सपोज टू बी लाइक दिस. सो प्लीज़ ऐसा कुछ मत सोचिए, प्लीज़ वॉच इट, इट्स एन अमेजिंग शो. आई हैव बीन पार्ट ऑफ इट. आई वुड लव कि आप लोग देखें क्या बदला नज़र आ रहा है. यार मैं मोटी कब थी, स्लिम क्योंकि ब्रेक पे हूँ, टाइम मिल रहा है, जिम जा सकती हूँ, एक नई चीज़ ट्राई कर रही हूँ, किक बॉक्सिंग, जो आई थिंक आई हैव रियलाइज शायद इट्स अ फेवरेट वर्कआउट फॉर मी बिकॉज इट्स क्वाइट अग्रेसिव. हमेशा से मुझे जिम जाना बोरिंग लगता था, धीरे धीरे वो करते रहो. सो आई एम एंजॉइंग आई थिंक कुछ हमेशा से मैंने ऐसा ही कुछ किया जो बिल्कुल डिफरेंट हो लास्ट वाले से, बिल्कुल अलग हो. तो वैसा ही कुछ करूँगी जो बिल्कुल डिफरेंट हो, बिल्कुल अलग हो, कुछ एक्साइटिंग सा हो. यार ये हर गेम शो का है, जो जीत जाता है जीत जाता है, जो नहीं जीत पाता है उसके लिए ये सब बोलते रहते हैं. आजकल सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म हो गया है टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, नथिंग रॉन्ग, बट ऐसा नहीं होता. अगर फिक्स्ड विनर्स ही रखने होते तो यू नो दिस लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट गोज इन सच शोज, दिस अ लॉट दैट गोज इन. और ये शोज़ फिक्स नहीं होते हैं बिकॉज देर सर्टन डाटा जो फॉलो होता है, जो कल को कोई भी मांग सकता है. एनीबडी कैन आस्क फॉर वोटिंग डेटा एंड एवरीथिंग, द चैनल विल हैव टू रिवील इट फॉर ट्रांसपेरेंसी. सो नन ऑफ दीज शोज आर फिक्स्ड. इट्स बिग बॉस, इट्स खतरो और एनी ऑफ रियलिटी शोज, दे आर नॉट फिक्स्ड. फेक तो नहीं है, मतलब इंटरेस्टिंग है जिस तरीके से वो लड़के कर रहे हैं, जिस तरीके से शहनाज इनको बोलती है आपको मेरे लिए करना पड़ेगा, वो बेचारे करते भी हैं, दे आर ट्राइंग द बेस्ट. जिस तरीके से वो गर्ल्स परफॉर्म कर रही हैं, लाइक आई कैन सी रियल कॉम्पिटिशन अमंग दोज गर्ल्स और अमंग दोज गाइज, एंड इट्स वेरी एंटरटेनिंग. मैं रोज़ देखती हूँ. मुझे कोई आइडिया नहीं वो शादी करेगी नहीं करेगी, बट आई डोंट थिंक इन चीज़ों पे हम पहले ही कमेंट कर सकते हैं. रियल लाइफ में भी लोग सोचते हैं इससे शादी करूँगी उससे नहीं करूँगी, कभी कभार हो जाती है कभी कभार नहीं होती. तो ये तो शो है, लेट्स सी. आई थिंक शो का पर्पस होता है टू एंटरटेन ऑडियंस, और एंटरटेन हो रहे हैं लोग उस शो से. सो आई थिंक उसका जो रीज़न था वो फुलफिल हो रहा है. सोचूंगी, देखूंगी, नेवर से नेवर. आई तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है मुझसे शादी करोगे देखने में. अब बिल्कुल दो एपिसोड देखे, दोनों देख के अपना टाइम याद आ गया. एक तो मेरा सबसे बड़ा डर था इलेक्ट्रिसिटी वाला स्टंट, जो मैंने विच वॉज बिगेस्ट फेयर फॉर मी. वही स्टंट सेकेंड एपिसोड में मैंने देखा है सीजन के, और मुझे याद है मैं ठंडी पड़ गई थी, मुझे अपना टाइम याद आ गया. मैं खाना ऑर्डर किया था वो भी नहीं खा पाई पूरा. सो आई एम एंजॉइंग इट. यार मैं कौन होती हूँ बोलने वाली. अभी क्या है कि आई थिंक बिग बॉस में सिद्धार्थ एंड शहनाज वर ट्रेंडिंग. दे वर सो क्यूट, दे हैव सच क्यूट केमिस्ट्री दैट इट वॉज अ ट्रीट टू वॉच देम. इट्स स्टिल अ ट्रीट टू वॉच देम. वो शहनाज का बचपना, नटखट, और सिद्धार्थ की मैच्योरिटी, दैट जेंटलमैन एंड ऑल दैट. इट्स अ वेरी क्यूट कॉम्बिनेशन. आसिम वॉज ऑलवेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेयर, हैड हिज ओन ओपिनियन. सो आई थिंक दोज पीपल आउटशाइंड रश्मि कंटेंट वाइज. सो दैट्स वाई आई थिंक दे वर टॉप थ्री एंड शी कुडंट मेक इट. मैं अपने फैंस को ये बोलना चाहूँगी कि कितना प्यार करते हो, यू गाइज लव मी सो मच, यू गाइज की वॉन्ट, यू नो, यू ऑलवेज वॉन्ट टू वॉच मी डूइंग समथिंग और दी अदर थिंग. यू गाइज सेंड मी सो मच लव, रिस्पेक्ट. आई फील सो ग्रेट बिकॉज ऑफ यू गाइज एवरी डे, एंड वेरी सून यू विल सी मी बैक, डोंट वरी.